फिर थर्ड पॉइंट के लिए यही काम करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? सेवन सेवन, ठीक है। सीवन हमारे पास अगेन 4 6 है, C2 जो है 5 5 है, अच्छा यफरा का सवाल है। पता कैसे चलेगा कौन सा करीब है? जो छोटा होगा वो करीब होगा बेटा, जिसका डिस्टेंस कम होता है वो आपके करीब होता है। ठीक है जी, अच्छा जी अब्दुल का सवाल ले लेते हैं। जी अब्दुल, सर जी अरे हमने वैल्यूज खुद ही एज्यूम किए हैं, तो सर हम चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? एक ही वैल्यूज पे थर्ड पॉइंट पे आ गए। देखो, पहली आइटरेशन में हमने शुरू में कोई रैंडमली सेंट्रोइड अज्यूम किया बस, ठीक है। अभी सेकेंड सही आइटरेशन में हम जो है फिर रैंडमली नहीं लेंगे, बल्कि हम कैलकुलेट करके लेंगे। शुरू में आपको रैंडमली लेनी पड़ेगी, अभी ये पहली आइटरेशन चल रही है, ठीक नहीं है। ना, तो हम शुरू में जी वही सेकंड भी हम एज्यूम कर रहे हैं, वही थर्ड हाँ, ये एज्यूम अभी कर। फर्स्ट हाइड्रेशन ही है, ये फर्स्ट हाइड्रेशन में सारे पॉइंट्स के साथ यही काम करना है, ठीक है। अभी कितने पॉइंट्स कर लिए हमने? दो पॉइंट्स कर लिए, तीसरे पे है अभी। दोनों में हमने सेम वैल्यूज एज्यूम किया। हाँ, एक ही सेंट्रोइड अज्यूम किया ना, अभी हाइड्रेशन अभी पहली ही चल रही है, ठीक है। ये 11 12 पॉइंट्स हैं, 12 पॉइंट्स के लिए यही काम करना होगा, फिर उसके बाद सेकेंड हाइड्रेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। हाइड्रेशन सर क्या मतलब? अभी समझ में आ जाएगा हाइड्रेशन क्या होती है, ठीक है। ये एक अच्छा दफा जो कर रहे हैं ना, ये पूरी कैलकुलेशन, ये एक हाइड्रेशन कहलाएगी, ठीक है। सर, हाइड्रेशन होती क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाइड्रेशन से मतलब है एक सेट ऑफ ऑपरेशंस हम जो परफॉर्म कर रहे हैं तमाम पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। ये जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं ये तमाम पॉइंट पे एक साथ अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये फर्स्ट हाइड्रेशन है। सही है, मतलब ऑपरेशन किस चीज का? अभी हम जो है देख रहे हैं कि कौन सा पॉइंट किस क्लस्टर में होना चाहिए, इसके लिए हम जो है हमने जो है डिस्टेंस निकाला, फिर हमने देखा कि कौन सा करीब है और उसको उस क्लस्टर में डाल दिया, ये ऑपरेशन है, ठीक है। ये हर पॉइंट के लिए करना होगा। हम भी अभी हमने एक पॉइंट के लिए करा है, फिर दूसरे के लिए भी कर लिया हमने, तीसरे के लिए कर रहे थे अभी हम, ठीक है। चौथे के लिए, सर पांचवें के लिए, 12 पॉइंट्स के लिए यही काम करेंगे, तो ये एक आइटरेशन होगी। लेकिन जो भी पहली वैल्यू एज्यूम करेंगे वही आखिर तक चलाएंगे। सर जी बिल्कुल, पहली आइटरेशन में यही करेंगे। अब सेकेंड आइटरेशन इसके बाद होगी, तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको, उसमें हम चेंज करेंगे, ठीक है। ओके सर। चलेंगे, थर्ड पॉइंट के लिए यही काम करेंगे। C1 डिस्टेंस, तो 7 -4 का स्क्वायर प्लस 7 -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 7 -4 होता है 3, 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 7 -5 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 13। स्क्वायर रूट ऑफ 13 क्या होता है भाई? थर्टीन का स्क्वायर रूट 3.6, ठीक है, 3.6 आ गया। ठीक है, 3.6 आ रहा है। C2 डिस्टेंस निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7 -5 का स्क्वायर प्लस 7 -5 का स्क्वायर,
कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 5, 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 का स्क्वायर रूट, तो 8 का स्क्वायर रूट 2.82, 2.8. बेटा इरसा का सवाल है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट किसके करीब है। तो बेटा जो डिस्टेंस आएंगे, दो डिस्टेंस आ गए ना, एक आया 3.6, C1 का डिस्टेंस आया 3.6 और C2 का आया 2.8, तो कौन सा छोटा है वो देखेंगे, उससे पता चल जाएगा करीब कौन सा है, जो भी छोटा होगा। तो ये C2 करीब है तो इसको C2 में डाल दिया, ठीक है। तो तीन पॉइंट्स के लिए हमने ये काम कर दिया, पहले वाले को C2 में डाल दिया, दूसरे वाले को C1 में डाल दिया, तीसरे वाले को C2 में डाल दिया। चौथे वाले के लिए यही काम करोगे, पांचवें वाले के लिए यही काम करोगे, छठे वाले, सातवें वाले, आठवें वाले, सबके लिए यही काम करोगे, ठीक है। अब मैं ये रिपीट नहीं कर रहा, यही काम जो है फिर आप पाँचवें चौथे पॉइंट के लिए, पाँचवें के लिए, छठे के लिए, सातवें के लिए, आठवें के लिए यही काम करोगे, ठीक है जी। अब्दुल सर, ये जो आपने वैल्यूज एज्यूम किए, ये तो फर्स्ट आइट्रेशन में पहले से लिखी हुई है नीचे, 12th वैल्यू के बाद 4, 6 और 5, 5, मतलब ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि हमने क्या चूज करना। जी हमने जो है पांचवें पॉइंट को लिया था और C2 जो है हमने 11वें पॉइंट को लिया था, ये अज्यूम किया था ना हमने, अज्यूम कर लो या क्वेश्चन में गिवन होगा एक ही बात है, ठीक है सर। नहीं एक ही बात होती है, एक आप चीज दे रहे हैं और एक हम खुद ही चूज कर रहे हैं, डिफरेंस है ना। हाँ अगर मैंने पेपर में आपको नहीं दी कोई वैल्यू तो आप अज्यूम कर लोगे, ठीक है, वरना मैं आपसे कहता हूँ आप ये वाली वैल्यू ले लो, ठीक है। तो इसमें तो बोला हुआ है ना, तभी हमने चूज किया है ना सर। हाँ इसमें इसमें भी हमने जो है अज्यूम ही की है, ठीक है, ये अजम्पशन करके ही लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा ये सर अभी आपने खुद ही लिखी है, ये अजम्पशन करके खुद से लिखी है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो पॉइंट ले लेंगे आप। सही है सर। सर और पीछे जाएगा, आपने जो लास्ट कैलकुलेशन किया वो गलत किया, कौन सी वाली, थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट की, C2 की, C1 की, C2 की है सर, सर शायद। नहीं ये सही है ना, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 5, सही है सर, सही है, सही है सर, ठीक है। फिर यही काम जो है हम बाकी सबके लिए भी करेंगे, ओके बेटा। इसको नोटपैड पे, नोटपैड के काम को भी मैं शेयर कर दूंगा। तो यही काम जो है हम हर पॉइंट्स के लिए करेंगे। करीब से मतलब क्या है बेटा, जिसका डिस्टेंस कम हो, जो बंदा आप जिसका डिस्टेंस आपसे कम होगा वो करीब होगा ना आपके, ठीक है। तो हमारे पास C1 के कितने पॉइंट्स हैं, करीब से मुराद बेटा ये है कि जिसका डिस्टेंस कम हो, ये डिस्टेंस आपने निकाला है ना, C1 का डिस्टेंस निकाला, C2 का डिस्टेंस निकाला, कौन सा वाला छोटा आ रहा है, ये 2 छोटा आ रहा है, तो ये पहले पॉइंट को किस में डाल दिया, C2 में डाल दिया। फिर आपने दूसरा पॉइंट निकाला, उसका डिस्टेंस निकाला, इसमें से किसका छोटा आ रहा है, छोटी वैल्यू आ रही है 1.41 छोटी है, तो इसको C1 में डाल दिया, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर तीसरे को देखा कौन सा करीब है, चौथे को देखा कौन सा करीब है, पांचवें को देखा कौन सा करीब है, एंड सो ऑन। समझ आ गई, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, पहली आइट्रेशन के बाद हम
सेंट्रोइड चेंज करेंगे, सेंटर अप चेंज करेंगे, क्या करेंगे, सेंटर को चेंज करेंगे, न्यू सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट आइट्रेशन थी, अब सेकंड आइट्रेशन पे आ जाए। ठीक है बेटा, सी वन निकालना पड़ेगा हमें, सी वन की कैलकुलेशन में सी वन के पॉइंट्स कौन कौन से हैं, यहां से देखें सी वन में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, ये पॉइंट सी वन में है, ये पॉइंट सी वन में है, ये पॉइंट सी वन में है, और ये पॉइंट सी वन में है, और ये पॉइंट सी वन में है। ठीक है जी, कितने पॉइंट्स हैं, पांच पॉइंट्स हैं जो कि सी वन में आ रहे हैं, और बाकी ये वाले पॉइंट जो है सी टू में है। ठीक है जी, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, सेंटर निकालते हैं। सी वन वाले पॉइंट्स कौन कौन से पहले लिख लें, दूसरा पॉइंट था 5 7, और ये वाला पॉइंट था 4 6। और कौन सा पॉइंट था, वन फोर। और कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 6 8। और कौन सा पॉइंट है, 3 7। ठीक है, अब C1 का x निकालो, C1 x जो है 5, इसके जो पहले कोऑर्डिनेट है उसको ऐड कर लोगे, 5 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 3, और डिवाइड कर दोगे, कितनी वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5। जब पहली आइट्रेशन मुकम्मल हो जाती है फिर सेकंड आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मकसद क्या होता है, देखो मकसद ये होता है कि हमारा जो क्लस्टर बना है वो अभी सही नहीं बना है, उसमें एक्यूरेसी लाने के लिए फिर और आइट्रेशन करते हैं। तो 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10 16 19 अपॉन 5, तो ये कितना आ जाएगा, 19 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3.8। ठीक है, सी वन वाई कितना हो गया, 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5, 6.4। ठीक है जी, तो C1 क्या आ गया, 3.8 और 6.4। इसी तरीके से C2 निकालोगे, C2 की कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से पॉइंट हैं, 5 पॉइंट्स हैं, उनको देखते हुए C2 निकालोगे, तो C2 कितना आया, 4.57 और 4.14। ये निकला हुआ है, मैं निकाल नहीं रहा, सी वन आ गया था और 4.57
और 4.14। ये कैसे निकलेगा? ये ऐसे निकलेगा कि जो हमारे पास पीछे पॉइंट्स हैं, देखो बेटा इसमें हमें पता है कि C2 में ये पॉइंट है, 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 ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। इन सबको ऐड करोगे, x को ऐड करोगे, डिवाइड कर दोगे, जितने काउंट होगा 6 हैं यहाँ पे, ये बल्कि 7 हैं। इसी तरीके से y को लोगे, y को ऐड करोगे, 7 से डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, पहली आइटरेशन कब खत्म होती है? जब सारे पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हो बेटा मोहम्मद। यहाँ पे सारे पॉइंट्स हो गए थे ना, 12 पॉइंट्स के लिए करा था हमने, मैंने 3 के लिए करके दिखाया था, 12 के लिए आपको खुद करना होगा पूरे के लिए। तो पहली आइटरेशन खत्म हो गई, अब सेकेंड आइटरेशन पे आ जाते हैं। सेंटर हमारे पास निकल गया, देखो बेटा सेकेंड आइटरेशन में भी वही काम करोगे, लेकिन सेंटर क्या होगा, चेंज हो गया। अब फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था,